हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अमेज़ोन के होम एंड किचन यूज़फुल गैजेट दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं। ऑनलाइन आप इन सभी प्रोडक्ट को अपने घर मंगवा सकते हैं। 30 से 70% तक का आपको सभी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सभी प्रोडक्ट के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बड़े ही अमेजिंग गैजेट हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जूसर दिखा रही हूँ जो कि USB चार्जिंग वाला होता है। लेमन या ऑरेंज हो गया या मौसमी, कीवी वगैरह हो गया, इन सब का फ्रेश जूस आप घर ही पर बिना किसी मेहनत के निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको बाहर से जूस लाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप किचन को नया और डेकोरेटिव लुक देने के लिए बैकप्लेश वॉलपेपर ले सकते हैं जो कि वाटरप्रूफ, ऑयल प्रूफ एंड हीट रेसिस्टेंट होते हैं। आप किचन काउंटर पर या किचन की वॉल पर लगा सकते हैं एंड आप अलमीरा, कैबिनेट या ड्रॉर वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ डर्टी कपड़ों को एक जगह एक साथ इकट्ठा करके रखने के लिए लॉन्ड्री बास्केट, जिसको आप बाथरूम लॉन्ड्री या वॉल पर हैंग करके रख सकते हैं और वॉशिंग मशीन में सारे के सारे डर्टी क्लोथ को एक साथ डाल सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग किचन गैजेट आप देख सकते हैं, कॉर्न स्टीपर या आप इसको कॉर्न पीलर भी कह सकते हैं, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है और इसमें स्टेनलेस स्टील के ब्लेड लगे होते हैं। इससे आप आसानी से कॉर्न सीड्स को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ आपको गर्ल्स के लिए फेशियल पैचेस दिखा रही हूँ जो कि ड्यूरेबल होते हैं एंड यूज़ करने में भी काफ़ी आसान होते हैं एंड पूरे 16 पीसेस का सेट होता है। तो अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए आप ये फेशियल पैचेस ले सकते हैं, इसका पूरे का पूरा सेट आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले आइटम की तरफ जो कि हेक्सागोन शेप में टच सेंसिटिव लाइट दिखा रही हूँ। ये सेंसिटिव लाइट होती है जिसे टच करने पर काफ़ी अच्छे से लाइटें जल जाती हैं। आप इसको सिंगल पीस, टू पीस, फोर पीस या एट पीसेस के सेट में ले सकते हैं। जितनी लाइट पर आप टच करते हैं उतनी लाइटें जल जाती हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। अपने ऑफिस को या रूम को डेकोर करने के लिए आप इस सेंसिटिव लाइट को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको टॉयलेट सीट के ऊपर के लिए स्टोरेज शेल्फ दिखा रही हूँ जो कि मेटल का बना हुआ होता है। आप इसमें शैम्पू की बॉटल हो गई, हैंड वॉश और सैनिटाइज़र वगैरह रख सकते हैं और साथ ही में आप इसमें नैपकिन या टॉवल वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक हुक मिल जाएंगे जो कि हाई स्टिकिंग वाले होते हैं, तो आप इसे डोर पे, वॉल पे, जहाँ भी लगाकर यूज़ करना चाहो तो मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रिज वगैरह या किसी कैबिनेट ड्रॉर में लगाना हो तो खोलने बंद करने के लिए, तो आप उसमें भी लगाकर यूज़ कर सकते हैं। किचन में भी स्मॉल आइटम को हैंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉर के अंदर सारे सामानों को सही से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ड्रॉर पार्टीशन डिवाइडर दिखा रही हूँ, काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये। चाहे आपका मेकअप का सामान हो या कॉस्मेटिक का, चाहे डाई वगैरह का कोई सामान हो, आप इन सभी को एक साथ पार्टीशन डिवाइडर में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई चीज़ ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होती है। और अब आपको शू रैक स्टैंड दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया सा प्लास्टिक में बना हुआ है। 5 से 6 लेयर्स आपको इसमें मिल जाएंगी, जिसमें कि आप काफ़ी सारे शूज़, स्लीपर वगैरह को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसको कहीं कॉर्नर में या साइड में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ब्रॉड साइड फ्रिज रैक दिखा रही हूँ जो कि मेटल की 2 से 3 लेयर में बनी हुई होती है, तो आप इसमें स्पाइसेस की पैंट्री वगैरह को सेट करके रख सकते हैं, जैसे कि बॉटल हो गई, करछी वगैरह हो गई। इसमें हुक्स भी दिए हैं तो करछी, सीज़र वगैरह को आप टांग भी सकते हैं। टिश्यू पेपर वगैरह के लिए भी आपको इसमें होल्डर मिल जाता है, स्पेस सेविंग के लिए काफ़ी अच्छा है। देन आपको हैंगिंग रैक दिखा रही हूँ, बैग रखने के लिए, पर्स रखने के लिए या कोई छोटा मोटा सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि 2 लेयर में मेटल का बना हुआ है, जिसमें आप अपने पर्स वगैरह रख सकते हैं और आप इसको वार्डरोब या बाहर में कहीं वॉल पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पाइसेस की बॉटल रखने के लिए 3 टायर वाला स्पाइसेस होल्डर मिल जाएगा, जिसको आप काउंटर टॉप की वॉल से अटैच करके सॉस, स्पाइसेस एंड ऑयल वगैरह की बॉटल को रख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही यूज़फुल टूल आप देख सकते हैं, मल्टी फंक्शनल हैंगिंग हुक्स। ये काफ़ी बढ़िया से हुक होते हैं जिन्हें आप हैंगिंग टाइप में यूज़ कर सकते हैं। कीज़ हो गई, स्पैचुला और वार्डरोब में कैप, हैंकी, टॉवल वगैरह को हैंग करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको काउंटर टॉप स्पाइस रैक दिखा रही हूँ जो कि मेटल की बनी हुई होती है और काफ़ी लाइट वेट भी होती है, तो आप अपने किचन के काउंटर टॉप पर आराम से वॉल के साइड में रख सकते हैं और काफ़ी आसानी से स्पाइसेस की बॉटल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इसमें साइड में होल्डर भी दिया रहता है, जिसमें स्पून, नाइफ वगैरह को धुलने के बाद ड्रेन करके इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्विच बोर्ड के लिए डेकोरेटिव प्रोडक्टर दिखा रही हूँ। इसमें मैग्नेटिक स्टिकर होते हैं जिसमें कि आप इसको स्विच को कवर करके लगा सकते हैं और अपने आउटडोर या सरफेस एरिया में स्विच बोर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया भी लगता है। और अब आपको यहाँ पे रोटेटिंग पंच हुक मिल जाएगा
जो कि घर और किचन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और काफ़ी बढ़िया भी होता है। आप कीज़ वगैरह हैंग कर सकते हैं और किचन में जो भी स्मॉल आइटम होते हैं और बाथरूम में स्क्रबर वगैरह को टांगने के लिए भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको पुशअप वाला लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा सा बॉक्स की तरह बना होता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कॉलम मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी लिपस्टिक को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पुशअप वाला होता है जिसमें कि किसी भी लिपस्टिक को यूज़ करना काफ़ी आसान रहता है। ये है ओवर सिंक डिश रैक जो कि मेटल की काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती है। आप इसे अपने सिंक के ऊपर रख के अपने बर्तनों को वॉश करने के बाद इसमें रख सकते हैं और बर्तन इसी में ड्रेन भी हो जाते हैं। आपको इसमें स्पंज वगैरह रखने के लिए भी होल्डर दिया जाता है और साइड में आपको चॉपिंग बोर्ड और सीज़र स्पून वगैरह टांगने के लिए भी हुक मिल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कैबिनेट शेल्फ जिसमें कि 5 से 7 डोर्स होते हैं। इसमें आपको कम डोर्स वाले भी मिल जाते हैं। आप इसमें शूज़ बुक्स वगैरह को रखने के लिए या घर के अदर स्टफ़ वगैरह रखने के लिए ले सकते हैं। और यहाँ आपको स्टेनलेस स्टील से बनी फोल्डेबल फ्राइंग बास्केट मिल जाएगी। इसमें आप एक ही बार में बहुत सारे स्नैक्स या पापड़ वगैरह फ्राई कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट पसंद आने पर आप उसे लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट की अमेज़ॉन बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। सिमिलर प्रोडक्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।